माय नेम इज साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी वही एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे जिसको कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को जोड़कर लिखिए। क्या बोल रहा है? आपको भिन्ने दी हुई है और इनको जोड़ करके लिखना है, यानी कि ऐड करना है। तो देखिए, ये जब हमें भिन्ने दी होती हैं और उनको जोड़ने के लिए बोलता है तो हम करते क्या है कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर्स देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे ऐड कर दिया जाता है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हम जितने भी डिनोमिनेटर्स यानी कि जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए हुए होंगे सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जब एलसीएम लेने के बाद सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तब हम भिन्न को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट सम। इसमें फर्स्ट सम है हमारा 5/13 + 3/13 + 4/13। इनको क्या करना है, ऐड करना। और जब ऐड करना है तो क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स देखिए, सारी जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए हैं सबके इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 5 + 3 + 4 यानी कि 5 और 3 होता है हमारा 8 और 4 12, 12/13। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये बहुत इजी होते हैं सम्स। अब ये वाले सम्स देखेंगे जिनमें कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं दिए हैं। देखिए सेकंड सम हमारा है 1/6 + 6/10 + 2/15। तो इसके जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि हम इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दें। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6, 10 और 15। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10 और 15 एज इट इज लिख देंगे। 3 से कट करेंगे, 3 1 = 3, 5 एज इट इज आ जाएगा और 5 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स में। 5 से कट करेंगे, 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 × 3 × 5, 5 × 3 = 15, 2 = 30। जो 30 आया यही हमारा इसका एलसीएम है। तो जब एलसीएम लिखेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 6 से हमने 30 को डिवाइड किया, तो जब 6 से 30 को डिवाइड किया तो 6 × 5 = 30, 5 आया। और ये जो 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि 1 × 5 प्लस 10 से हमने 30 को डिवाइड किया। देखिए 10 से 30 को डिवाइड किया तो 10 × 3 = 30। तो 3 जो आया है इसका मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि 6 × 3 प्लस 15 से 30 को डिवाइड किया। देखिए 15 से 30 को डिवाइड किया, 15 × 2 = 30। तो ये जो 2 आया है इसका मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि 2 × 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 6 × 3 = 18 और 2 × 2 = 4 अपॉन 30। तो 18 प्लस 5 कितना होता है, 23। 23 में 4 प्लस किया तो 27 अपॉन 30। अब कोई ऐसी डिजिट हम लोग देखेंगे जिससे कि ये हमें पता चले कि जिससे कि दोनों सम हम ये जो आपको नंबर्स आए ये कट हो जाए। तो 3 9 = 27, 3 10 = 30 यानी कि 9/10 आंसर डालेंगे और लिखेंगे 9/10। बेटा ये सब हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित भिन्नों को घटाकर लिखिए। क्या करना है हमको, इसमें भिन्नों को घटाकर लिखना है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट सम है
16 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 3। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। डिनोमिनेटर्स देखिए इनके दोनों के अलग अलग आपको दिए हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करते हैं। तो 9 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से कट करेंगे 1 1, एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 × 3 = 9। एलसीएम क्या आ गया हमारा 9, तो 9 एलसीएम हो गया। 9 से हमने 9 को डिवाइड किया तो 1 आया हमारा, और 1 का मल्टीप्लाई 16 में। माइनस 3 से हमने 9 को डिवाइड किया, 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 3 9 कट हो गया। ये जो 3 आया है इसका मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे तो 4 × 3 कितना हो गया, 16 का मल्टीप्लाई 1 में किया 16 माइनस 4 3 12 अपॉन 9। देखिए 16 में 12 गया, आया हमारा 4 अपॉन 9, यही हो गया हमारा इसका आंसर 4 अपॉन 9। नेक्स्ट सम है हमारा इसमें 3 होल नंबर 5 अपॉन 6 माइनस 2 होल नंबर 1 अपॉन 18। इसमें पहले तो ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 6 3 18, 18 और 5 23 अपॉन 6 माइनस 18 2 36 और 1 37 अपॉन 18। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कट करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से कट करेंगे 1 और 1, तो एलसीएम क्या आ गया 2 × 3 × 3, 3 3 9, 2 18, यही हो गया हमारा इसका एलसीएम। एलसीएम दिया 18। 6 से हमने 18 को डिवाइड किया, देखिए 6 से 18 को डिवाइड किया तो 6 3 18 कट गया, और ये जो 3 आया इसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में यानी कि 23 में करेंगे। माइनस 18 से 18 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई सब करेंगे तो 23 3 होता है 69 और 37 अपॉन 18। 9 में 7 गया 2 और 6 में 3 गया 3 अपॉन 18। अब इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 6 12 और 2 9 18, कितना आ गया हमारा 16 अपॉन 9। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं इसको, तो 9 से हमने 16 को डिवाइड किया तो 9 1 9, और क्या है 16 में 9 गया 7, तो 1 होल नंबर 7 अपॉन 9, यही हो गया हमारा इसका आंसर। कितना आ गया 1 होल नंबर 7 अपॉन 9, ये है हमारा इसका आंसर। बेटा ये सम भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इस सम में अभी आपके इसी तरह के और भी सम है जिनको कि आप इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे अपना नेक्स्ट सम पढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए हम अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को जोड़कर लिखिए, क्या करना है हमें इसमें दशमलव भिन्नों को जोड़कर लिखना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 14.308, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे ही रखा जाता है, तो जब हम सेकेंड डिजिट नोट करेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद हम इसके आसपास की डिजिट लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद हमको क्या दिया है 8 2 4, और पॉइंट के पहले दिया है 2, फिर थर्ड डिजिट नोट करेंगे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद दिया है 4 1 8, पॉइंट के पहले दिया है 9। चलिए ऐड करते हैं 8 4 12, और 12 और 8 20, 2 कैरी, 2 2 4 और 1 5,
8 3 11 4 15, 1 carry, 4 1 5 2 7 7 9 16, 1 carry और 1 और 1 2, यही हो गया इसका आंसर 26.550। अब हमारा नेक्स्ट सम आता है 6.12 प्लस 15.125 प्लस 0.328 प्लस 2.53। चलिए इनको ऐड करते हैं। 6.12, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे, 1 2 5, इसके पहले है 15, पॉइंट लगाएंगे 3 2 8, और पॉइंट के पहले आपको क्या दिया है 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 5 और 3, और पॉइंट के पहले 2, इसको ऐड करेंगे 8 5 13, 1 carry, 2 1 3 2 5 5 2 7 और 3 10, 1 carry, 1 1 2 1 3 3 6 6 or 5 11, 1 carry, 6 or 1 7 7 or 5 12 12 or 2 14, 1 carry, 1 or 1 2, कितना आ गया 24.103। आंसर डालेंगे 24.103। बेटा ये सम आपके यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए